गुड मॉर्निंग राधे राधे हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो मेरा यहाँ पे चपाती का डो हो गया रेडी और मैं बनाने वाली हूँ पराठा, मतलब मसाले वाला पराठा, जिसमें स्क्वायर पराठा ही बनाऊंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल, हल्का सा नमक और मिर्ची पाउडर डाल के उसको बेल के अच्छे से सेक के, उसके ऊपर आप बटर लगा सकते हो या घी लगा सकते हो या तो सिर्फ इसी तरह तेल से सेक के उसके बाद आप उसमें मतलब उसको अच्छे से क्रिस्पी पका कुक करके उसके बाद चाय के साथ यू कैन एन्जॉय। इतना मस्त लगता है, टेस्ट लगता है। तो अभी मैं मेरे लिए और निशु के लिए, दोनों के लिए वही बना रही हूँ। निशु कर रहे पूजा और सानू अभी भी सोई है, क्योंकि उसको जो यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस जैसा आ गया था ना, उसका मेडिसिन उसको दिया है, तो अभी वो थोड़ा आराम कर रही है। उसको नहीं उठाना चाहती, वरना वो बोले, मुझे तो पता है उठने के बाद बोलने ही वाली कि मम्मा उठाया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं। बट आई एम लाइक, थोड़ा सा उसको डॉक्टर ने भी बोला कि मेडिसिन से थोड़ा सा नींद आता है, क्योंकि उसको अभी स्कूल भी जाना है। तो आई एम लाइक, उसको सोने दो, थोड़ा सा बाद में जब अपने से थोड़ा उठ जाएगी तो उठ ही जाएगी। गरम गरम चाय और मीठा चाय, मतलब मैं तो ऑब्वियसली जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मीठा चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब मीठा चाय और तीखा तीखा पराठा का कॉम्बिनेशन, और वो क्रिस्पी जो कुक होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। निशु भी बोल रहे हैं मस्त स्पाइसी लग रहा है। मैंने कलर वाला मिर्ची पाउडर डाला है, वो तीखा वाला नहीं डाला, तो उससे क्या फ्लेवर भी आता है, कलर भी दिखता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अभी फाइनली मैं बैठ गई मेरे फ़ोन के साथ, क्योंकि लास्ट कितने महीने से मेरा इतना सारा काम इसमें पेंडिंग है, इतने सारे क्लाइंट्स के मुझे मैसेजेस आए, कितने सारे मैसेजेस के मैंने रिप्लाई भी नहीं किया कि हाँ बाद में करती हूँ, चेक करती हूँ, बताती हूँ। किसी को कोई ये ड्रेस चाहिए, किसी को वो ज्वेलरी चाहिए, तो वो सब मुझे पूछ रहे कि वेंडर से चेक करके आप प्लीज़ रिप्लाई कर दो। मैंने कितने जन को ये देखे, कितने सारे मेरे मैसेजेस ऐसे ही अनरेड है, देखे पड़े भी नहीं है। किसी किसी को सिर्फ रिप्लाई करके भेज दिया कि हाँ ओके, बताते हूँ, नहीं बताते, ये सारे मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करना है, इनके सारे जो भी काम है वो सब करना है। तो अभी फाइनली सारू स्कूल गई है ना, तो मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम है पूरा दोपहर तक। तो आज मैं ये सारा सॉर्ट आउट करने वाली हूँ और कुरियर जो पैकिंग करना है वो सब भी करके रखने वाली हूँ। और आप लोगों को बताती हूँ मैंने यहाँ पे इस घर में ज्वेलरी का सेटअप कैसे किया है। आप में से बहुत सारे जन को जानना था होम टोल वगैरह चाहिए था, पर होम टोल देने जैसा तो इस घर में कुछ खास स्पेशल है नहीं, तो फिर भी ब्लॉग में तो आप लोगों को दिखाई दे ही जाता है, आप पीछे का बैकग्राउंड वगैरह आ ही जाता है जब मैं शूट करती हूँ। तो आई डोंट पर्पसली शूट फ्रॉम दिस एंगल और दैट एंगल, जहाँ से मुझे अच्छा क्लैरिटी ब्राइटनेस दिखता है मैं उस एंगल से शूट करती हूँ, क्योंकि डे टाइम पे ना आप ऐसा शूट कर सकते हो, मतलब विंडो के ऑपोजिट खड़े रहते हो। अगर मैं विंडो के वो साइड जाके कैमरा यहाँ से ऐसे रखूँ ना, तो वो पूरा ब्लर आता है। तो और रात के टाइम पे तो लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो फिर कोई भी साइड से करो तो ब्राइटनेस ठीक ठाक ही आ जाता है। अच्छी बात यह है कि ये किचन ना बड़ा है, तो यहाँ पे दो स्टोरेज कैबिनेट है, एक ये साइड वाला और एक वो साइड वाला। तो ये पूरा स्टोरेज कैबिनेट जो है उसमें मैंने सारा ग्रॉसरी रख दिया है, जो स्टॉक हम लोग करते हैं ना, चावल, आटा, दाल, सारे पल्सेस, क्योंकि बाहर ऊपर यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी स्टोरेज नहीं है, ना ये बाजू है ना सामने वाली बाजू में, तो मुझे जो भी सामान है वो सब अंदर ही रखना पड़ता है। दाल के लिए सब यहाँ पे रख दिया है, तो वो अभी मैं आप लोग को ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो दूसरा वाला कैबिनेट है, इसमें मैंने पूरा ज्वेलरी का सेटअप किया, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर ये मेरा पूरा
ज्वेलरी का सेटअप हो चुका है। ये बॉक्सेस ना मैंने सारे ऐसे ना लाइन से लगा के रखा था ताकि इजी हो जाए, बट उस दिन सैटरडे का लाइव था तो मैंने बहुत सारा सामान इसमें से निकाला तो ये थोड़ा वापस ऊपर नीचे हो गया है। और सारे बॉक्सेस ज्वेलरी के रख दिए हैं और स्टेशनरी सब सामने ही रखा है, जैसे ये मेरा ग्लू हो गया, टेप हो गया, जो पकड़ में यूज़ करती हूँ टाइट फिट करने के लिए मंगलसूत्र का, वो टेप वगैरह हो गया, जो एड्रेस लिखने का कुरियर करने के लिए कुरियर की लगता है वो, रिटर्न गिफ्ट के जो छोटे छोटे पाउचेज है वो सामने रखा है, ये रिटर्न गिफ्ट का है, इसमें सारे जो मैं ज्वेलरी पैक करके भेजती हूँ वो है, और सारा जो कम यूज़ होने वाला स्टॉक है वो यहाँ रखा है, जो रेगुलरली रूटीन में जाता है ज़्यादा उसको यहाँ पे रखा है। तो ये सब लाइन से ना सारे बॉक्सेस आ गए ऊपर और नीचे, यहाँ पे इतना सारा स्पेस है ना, मतलब ये अगर एक्चुअल किचन जैसा भी आप रखो ना तो आपके पास बहुत स्पेस है, आपको ऊपर स्टोरेज बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ऐसा मेरा टेम्परेरी ज्वेलरी का सेटअप हो चुका है, पूरा सामान ना उसके अंदर चला गया, इवन कुरियर के लिए जो बैग लगते हैं ना छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक वो भी नीचे चला गया। तो मैं एक ही जगह पर अगर वहाँ बैठ जाऊँ और पूरा पैकिंग का काम करूँ ना तो भी मुझे कहीं अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू चूज। अब एक कोने में है, सेफ भी है और इजी टू एक्सेस भी है, तो मैं सोचा उसको वहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना जगह है ही नहीं, तो यहाँ रख के कोई मतलब नहीं है, और वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता, जब मुझे कोई ऑर्डर आता है या मुझे लाइव करना होता है तभी मैं उसको ओपन करती हूँ। आई एम थिंकिंग वो ही सबसे अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी मेरा ज्वेलरी स्टॉक था सब वो उतने से जगह में पूरा प्रॉपर आ गया। एक्चुअली मैंने क्या किया पता है, बहुत सारे ज्वेलरी ना खत्म हो चुके थे तो किसी में दो पीस चार पीस ऐसे ऐसे बचे हुए थे, तो बॉक्स में बहुत सारा जगह था इसलिए वो बॉक्सेस बॉक्सेस ना ज्यादा दिखता था। तो मैंने अभी सब एक साथ कर दिया, इयररिंग्स को सारे एक साथ कर दिया, गले के सेट को सब एक साथ कर दिया, मंगलसूत्र का बॉक्स एक साथ किया, तो बॉक्सेस कम से कम मेरा 15 बॉक्स, तो आई थिंक 12 से 15 बॉक्स वहीं कम हो गया। तो इसके लिए ये इतने बॉक्सेस यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो गए। पहले तो मुझे बहुत टेंशन आ रहा था वो इतने सारे ज्वेलरी के बैग्स को देखे कि इतना स्टॉक यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, बट जब मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया एक दूसरे के में से जो क्लम्जी हो गया था मिक्स हो गया था सबको सॉर्ट आउट किया, उसमें मुझे गए 3-4 दिन गए ये सेटअप करने के लिए, बट फाइनली जब वो हो गया था ना तो इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ मेरा सेटअप हो चुका है। अभी लेके मैंने 2 सैटरडे लाइव में उसमें से सामान निकाला ना इसलिए वापस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट एनीवेज तो वो तो होने ही वाला, जितनी बार भी साफ करो उतने बार ऊपर नीचे होते ही रहता है, लास्ट 3 ईयर से मेरा ये एक्सपीरियंस है, बट दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग इन दिस हाउस माई ज्वेलरी का स्टफ। तीनों क्लाइंट का निकाल के रख दिया, एक क्लाइंट का तो मैंने एड्रेस ऑलरेडी लिख दिया है और 2 क्लाइंट है जिनका मैं एड्रेस पहले लिख के रख दूंगी, उसके बाद जो मैंने स्टॉक निकाला उसको पैकिंग करने जाऊंगी। तो ये लाइन अगर आप इस तरह से सब चीज़ अलाइनमेंट से करते ना तो ईजी हो जाता है, स्टॉक निकाल के रख दिया, एड्रेस लिख के रख दिया, फिर एक एक करके पैकिंग करके डिस्पैच के लिए रेडी करना। तो आज मैं टोटल 3 बनाने वाली हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि एक क्लाइंट का ना ज़्यादा पार्सल है तो उसको मुझे प्रॉपर पैक करने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, ऑलरेडी 1:15 हो चुका है। तो पहले मैं ये क्लाइंट का और इसके बाद और एक क्लाइंट है उनका एड्रेस लिख लेती हूँ और उसके बाद खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर वो तीनों पार्सल को एक एक करके पैकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। फाइनली मैंने मेरे 2 पराठा रेडी कर दिया, इसको मैंने ना थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया, सुबह जो बनाया था वो थोड़ा अलग था, अभी जो बनाया वो थोड़ा सा अलग है, इसका मैंने वीडियो शूट करके रखा है, आई थिंक मैं उसका शॉर्ट्स बनाऊंगी तो वो रेसिपी वाले शॉर्ट्स में आप जाके देख लेना जब अपलोड हो जाएगा, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। सो गर्मा गर्म पराठा एकदम तीखा तीखा, इसमें मिर्ची पाउडर भी और मिर्ची भी है, मैं इसका रेसिपी शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स में इन फ्यूचर में, आई थिंक 1-2 दिन में, और ये ठंडे ठंडे दही के साथ इतना टेस्टी इतना यम्मी लग रहा है। सो आई होप आप लोग ने आज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, राधे राधे हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।